हेलो नमस्कार, आज आप सभी को दिखाऊंगा एक पोस्टर ऐसा जो 2000 में करीब गदर मूवी आई थी और उसका पोस्टर आज भी यहाँ पर लगा हुआ है। ये जगह ये पड़ता है पीपल कोटी टेहरी के भीमतला चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। आप सभी को दिखाता हूँ, देख सकते हैं अभी इसको 20 साल हो चुके हैं यहाँ पर लगे हुए। ये तब से ऐसा का ऐसा ही लगा है। अब ये है कि 20 साल यहाँ 25 साल हो गए उसको बने बड़ी। तो बद्रीनाथ से हमें आते हुए काफ़ी लेट हो गया था और काफ़ी अंधेरा हो चुका था, 11-12 के बीच टाइम हो चुका था रात को। तो हम लोग इसी होटल में रुके जहाँ पर हमने नाइट होल्ड किया। पहले हमारे यहाँ रुकने का विचार नहीं था, लेकिन बाद में आगे जाने की थोड़ी हिम्मत नहीं बढ़ी क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। तो हम लोगों ने नाइट यहीं गुजारी और ये पड़ता है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने नाइट का 100 रुपये दिया 4 लोगों ने। तो यहीं हम लोग रुके और उसके बाद हम लोग आगे इस जगह पर पहुँचे। ये है बैजनाथ का मंदिर और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा दृश्य था जो आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी था। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा शूट किया और बैजनाथ का ये लेक जो झील है आप सभी लोगों के बीच में दिखाने की कोशिश करी। काफ़ी खूबसूरत झील है, अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर यहाँ भी जाएं। अगर आप बद्रीनाथ से होते हुए ग्वालदम इधर से आएंगे तो आपको रास्ते में ये ज़रूर पड़ेगा। यहाँ पर रुकें और थोड़े से यहाँ पर दृश्य का आनंद लें। तो हम लोग भी यहीं पर रुके और इसके बाद सीधे हम बाइक कौसानी होते हुए सोमेश्वर की तरफ निकले। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम लोग कौसानी मिनी स्विट्ज़रलैंड से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो बद्रीनाथ से यहाँ आने में हमें टाइम लगा 9 घंटा, 9 से 10 घंटे के बीच में यहाँ पहुँच गए थे क्योंकि हम रुके भी थे रास्ते में। और एक जगह हमने जहाँ मैंने आप सभी को वीडियो दिखाई है होल्ड किया था वहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ की जो लंबाई और यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि नाइट में जंगलों में चलना बेकार ही है और जगह जगह हमें जानवर भी दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए हम लोग वहीं ग्वालदम में रुके और ग्वालदम से आगे बैजनाथ और गरुड़ होते हुए हम लोग कौसानी पहुँचे। कौसानी से अब 10-12 किलोमीटर आगे सोमेश्वर पड़ता है। सोमेश्वर में हम लोग जो हमारा घर है तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से खूबसूरत सा नज़ारा आप सभी लोगों के लिए है, वीडियो के साथ बने रहें। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर की बहुत अच्छी विशेषताएं हैं। बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाया करते थे तो यहीं पर इसलिए भगवान के नाम पर एक मंदिर बनाया है। यहाँ पर आप ज़रूर रुकें, कौसानी से नीचे है। तो यहाँ पर थोड़ा हम टीका चंदन करेंगे और आगे निकलेंगे। तो अभी हम लोग आगे निकल